हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए सामाजिक विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तो जितना भी प्रश्न हम आपको करवाएंगे वो आपको यहीं पर याद भी हो जाएगा। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं यहां पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न यहां पे देखिए, नगर निगम के मुख्य कार्यों का वर्णन करें। प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि नगर निगम के जो मुख्य कार्य होते हैं उसका यहां पे क्या करना है, वर्णन करना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। नगर निगम नागरिकों को स्थानीय आवश्यकताओं एवं सुख सुविधाओं के लिए अनेक प्रकार के कार्य करता है। जो नगर निगम है वो नागरिकों की जो स्थानीय आवश्यकताएं होती हैं, सुख सुविधाएं होती है, उसके लिए ये अनेक प्रकार का कार्य करता है। नगर निगम के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। जो नगर निगम के प्रमुख कार्य है वो यहाँ पे निम्नलिखित है। इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे कि नगर निगम कौन कौन से कार्य करता है। तो यहाँ पे देखिए, पहला कार्य नगर निगम का, नगर क्षेत्रों में नालियां, पेशाब खाना और शौचालय आदि का निर्माण करता है। जो नगर निगम होता है वो नालियों का निर्माण करता है, पेशाब खानों का निर्माण करता है और शौचालय आदि का निर्माण कौन करता है, तो नगर निगम करता है। ये हो गया इसका पहला कार्य। इसका आइए देखते हैं दूसरा कार्य। दूसरा कार्य है यहाँ पे कूड़ा करकट तथा गंदगी की सफाई करता है। जो नगर निगम होता है वो कूड़ा करकट और गंदगी जो होती है इसकी सफाई कौन करता है, तो नगर निगम ही करता है। इसका तीसरा कार्य देख लेते हैं, पीने की पानी का प्रबंधन करता है। जो नगर निगम होता है वो पीने के पानी का भी प्रबंधन करता है। इसका देख लेते हैं चौथा कार्य। यहाँ पे देखिए, गलियों, पुलों एवं उद्यानों की सफाई एवं निर्माण करता है। नगर निगम क्या करता है कि गलियों की सफाई करता है, पुलों की सफाई करता है, उद्यानों की सफाई करता है और इसमें कुछ टूट फूट जाए तो उसका निर्माण भी कौन करता है, तो नगर निगम ही करता है। आइए देखते हैं इसका पांचवा कार्य। पांचवा कार्य आग बुझाने का कार्य करता है। जो यहाँ पे नगर निगम होता है वो आग बुझाने का भी कार्य करता है। आइए इसका देखते हैं छठा कार्य। छठा कार्य यहाँ पे देख लीजिए, कल्याण केंद्रों जैसे मृत केंद्र, शिशु केंद्र, वृद्धा आश्रम केंद्र की स्थापना और देखभाल कार्य करता है। जो ये नगर निगम है, कल्याण केंद्र जैसे यहाँ पे देखिए, मृत केंद्र, शिशु केंद्र यानी अनाथालय और यहाँ पे वृद्धा आश्रम केंद्र की स्थापना करता है और इसका क्या करता है, देखभाल भी करता है। आइए इसका देखते हैं सातवां कार्य। सातवां कार्य है जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करता है। तो ये सभी थे इसके महत्वपूर्ण कारण कार्य। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कर दीजिए और इन प्रश्नों को आपको लिखना है तो अभी आप लोग मोबाइल में अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक नोटबुक लीजिए, उस पर लिख लीजिए और जितना प्रश्न हम आपको करवाते हैं उसे आप लोग लिख लिख के याद कर लीजिए, उसका रिविजन करते रहिए। बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में यही सब प्रश्न आने वाला है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, दो नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पे लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता सर्वोपरि होती है। यहाँ पे देखिए क्या है, जो लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो जनता होती है वो सर्वोपरि होती है, यानी सबसे ऊपर होती है। यहाँ पे देखिए, जनता ही मालिक होती है। लोकतंत्र का मालिक कौन होता है, तो जनता होता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है अब्राहम लिंकन के अनुसार। यहाँ पे देखिए, अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। यहाँ पे अब्राहम लिंकन, यहाँ पे देखिए लोकतंत्र का परिभाषा बताते हैं कि अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता का और जनता के लिए और तथा जनता द्वारा शासन है। इससे स्पष्ट है कि जनता अपने प्रतिनिधि द्वारा शासन चलाती है। जो जनता होती है लोकतंत्र की, वो एक प्रतिनिधि को चुनती है और उसी के द्वारा अपना शासन क्या करती है, चलाती है। तो यहाँ पे देखिए, प्रतिनिधि जनता के बीच का ही होता है। जो प्रतिनिधि होता है लोकतंत्र का, वो जनता के ही बीच का होता है, जिससे आम, यहाँ पे देखिए, जिससे आम जनता मतदान करके चुनता है और उस प्रतिनिधि को क्या करती है, जो आम जनता होती है उसे मतदान करके यानी वोट देकर चुनती है और चुने हुए प्रतिनिधि सरकार का गठन करता है। और जो प्रतिनिधि हम लोग चुनते हैं वो प्रतिनिधि आपस में मिलकर एक यहाँ पे सरकार का गठन करती है और यहाँ पे कल्याणकारी नीतियाँ यहाँ पे बनाती है। और जो सरकार बनती है वो क्या करती है, जनता के लिए कल्याणकारी नीतियां यहां पे बनाती हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहां पे
अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, 3 नंबर प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण, खनिजों के संरक्षण के लिए उपाय बताइए। यहाँ पे बताना है कि जो खनिज हैं उन वो खत्म होते जा रहे हैं, तो इसके संरक्षण के यहाँ पे उपाय बताना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पे खनिज क्षयशील एवं अनवीकरणीय है। यहाँ पे देखिए खनिज है जो क्षयशील यानी जो खत्म होने वाला है, जो खत्म योग्य है उसे ही बोला जाता है यहाँ पे क्षयशील। तो यहाँ पे देखिए जो खनिज है वो क्षयशील है और क्या है, अनवीकरणीय है, इसे पुनः हम लोग बनाया नहीं जा सकता। जो खनिज होता है इसका भंडारण सीमित है, और जो खनिज होता है इसका भंडारण भी क्या है, सीमित है, इससे पुनः निर्माण नहीं किया जा सकता। और जो खनिज होता है उसे हम लोग पुनः निर्माण यानी पुनः उसे नहीं बना सकते, क्योंकि इसका निर्माण बहुत ही जटिल और लंबी प्रक्रिया है। खनिज बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं बनने में। तो ये जो खनिज है इसका निर्माण बहुत ही जटिल है और बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। खनिज आधुनिक जगत के आधार है। यहाँ पे देखिए जो खनिज है वो यहाँ पे आधुनिक जो औद्योगिक है उसके क्या औद्योगिक जगत के ये क्या है आधार है। यहाँ पे देखिए औद्योगिक विकास के क्रम में खनिजों का अधिक दोहन हुआ है। जो औद्योगिक विकास हुआ है उसमें खनिजों का अधिक दोहन हुआ है, यानी जहाँ पे 5 किलो लोहा लगता है वहाँ पे 10 किलो लोहा निकाल के ले गया गया। तो यहाँ पे देखिए जो औद्योगिक निर्माण है, औद्योगिक विकास है, उसमें क्या हुआ है, खनिजों का अधिक से अधिक दोहन हुआ है। यहाँ पे देखिए जिसके कारण खनिज यहाँ पे देखिए जिसका जिससे खनिज का अस्तित्व यहाँ पे संकटग्रस्त हो गया है। जो खनिज है वो अति संकटग्रस्त हो गया है यानी वो संकट में पड़ गया है, वो खत्म होने वाला है। इसीलिए खनिजों का संरक्षण अनिवार्य है। इसलिए जो खनिजों का संरक्षण है वो अनिवार्य है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं आगे क्या है। खनिजों का संरक्षण निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए जो खनिज है उनका यहाँ पे संरक्षण हम निम्नलिखित तरीकों से कर सकते हैं। पहला देखिए यहाँ पे खनिजों का निरंतर दोहन पर रोक लगाना चाहिए, यानी जो खनिज होते हैं वो बार बार यहाँ से निकाला जाता है जमीन से, उस पर आप लोगों को रोक लगाना चाहिए और जितना आपको जरूरत है उतना ही यहाँ पे से आप लोगों को खनिज निकालना चाहिए। आइए देखते हैं यहाँ पे देखिए खनिजों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए ताकि बचाया जा सके। और जो खनिज है उसका आपको विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए ताकि वो उसे बचाया जा सके। यहाँ पे देखिए तीसरा है कच्चे माल के रूप में इसका खोज किया जाना चाहिए, और जहाँ जहाँ खनिज है वहाँ वहाँ इसे, और जो खनिज होते हैं वो जमीन के अंदर पाए जाते हैं, तो खनिजों का भी जो भंडार है उसका खोज करना चाहिए ताकि हमें भविष्य में अगर एक जगह के खनिज खत्म हो जाए तो दूसरे जगह हमको खनिज मिले। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है, उद्योग से प्रदूषण कैसे फैलता है। यहाँ पे बताना है कि जो उद्योग है कल कारखाने हैं उससे प्रदूषण कैसे फैलता है। तो यहाँ पे देखिए इसका उत्तर, उद्योग 4 प्रकार के प्रदूषण जैसे वायु, जल, भूमि और ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाता है। जो उद्योग होता है वो 4 प्रकार के, यहाँ पे कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के प्रदूषण को यहाँ पे फैलाता है। और वो कौन कौन प्रदूषण है, यहाँ पे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण को यह क्या करता है, बढ़ावा देता है। यहाँ पे देखिए उद्योगों से निकलने वाली धुआं वायु को बुरी तरह प्रदूषित करती है। जो उद्योगों से धुएं निकलती हैं, काली काली जहरीली जहरीली जो धुएं निकलती हैं वो यहाँ पे देखिए वायु को बुरी तरह प्रदूषित करती है। यहाँ पे देखिए उद्योगों का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसे किसी भूमि, खाली भूमि या नदियों तालाबों में डाल दिया जाता है। यहाँ पे देखिए जो उद्योगों से जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो क्या किया जाता है, किसी खाली भूमि पर या नदियों तालाबों में डाल दिया जाता है, जिससे यहाँ पे देखिए भूमि और जल प्रदूषण होता है। और जब नदियों, यहाँ पे देखिए जो उद्योगों का जो अपशिष्ट पदार्थ होगा वो किसी भूमि पे डाला जाएगा या नदियों तालाबों में डाला जाएगा, तो भूमि बंजर हो जाएगी और जो नदियों का जो तालाब है वो भी क्या हो जाएंगे, पानी क्या हो जाएंगी, दूषित हो जाएंगी, और भूमि भी क्या हो जाएगा, वहाँ के दूषित हो जाएगा। उद्योगों को चलाने से जो आवाज़ उत्पन्न होती है उससे ध्वनि प्रदूषण होता है, और जब हम उद्योग चलाते हैं तो उसमें बहुत सारी आवाजें निकलती हैं, तो वो आवाजें क्या करती हैं, जो यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण होता है उसका ये मुख्य कारण बनती है और ध्वनि प्रदूषण इससे ही फैलता है। तो ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है, भूकंपीय तरंग से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि भूकंपीय तरंग से आप क्या समझते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पे
भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार के कंपनों को ही भूकंपीय तरंग कहते हैं। जब भूकंप आता है, जब भूकंप का दौरान क्या होता है कि बहुत सारे कंपन होते हैं और उसी कंपन को ही क्या बोला जाता है, यहाँ पे भूकंपीय तरंग बोलते हैं। भूकंपीय तरंग का वेग अलग अलग होता है। जो भूकंपीय तरंग होते हैं उसका वेग क्या होता है, अलग अलग होता है। भूकंपीय तरंग मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, और जो भूकंपीय तरंग होते हैं वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन होते हैं। पहला है यहाँ पे प्राथमिक तरंग, जिसे हम लोग पी से सूचित कहते हैं। दूसरा है यहाँ पे द्वितीय तरंग, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे सेकेंडरी यानी एस से सूचित करते हैं। यहाँ पे तीसरा है दीर्घ तरंग। तो इसमें सबसे खतरनाक तरंग कौन सा होता है, तो जो दीर्घ तरंग होता है वो सबसे ही हानिकारक होता है, इससे सबसे अधिक विनाश होता है। और जो यहाँ पे प्राथमिक तरंग है ये पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचता है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। एक बार और समझ लीजिए, भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार के कंपन को ही भूकंपीय तरंग बोलते हैं, और जो भूकंपीय तरंगे होती हैं उनका वेग क्या होता है, अलग अलग होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, भूकंपीय तरंग बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए भूकंपीय तरंग कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राथमिक तरंग, दूसरा होता है द्वितीय तरंग, तीसरा होता है दीर्घ तरंग। तो ये भी आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।